बहराइच में पुलिस द्वारा की गई अपने बेटे की निर्मम पिटाई के विरोध में एक मां 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठ गई है। उधर पीड़ित दलित महिला के आमरण अनशन की भनक लगते ही अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता पीड़ित दलित महिला के पास पहुंचकर खुद को दलित हितैषी बताने में जुड़ गए हैं। आमरण अनशन पर बैठी पीड़ित केवड़ा देवी का आरोप है कि पिछले दिनों भारत बंद के दौरान इनके बेटे गगन गौतम को जरवल रोड थाने के एसओ मधुपनाथ मिश्रा ने पकड़ लिया और थाने ले जाकर जाति सूचक गाली देते हुए मारा पीटा और निर्वस्त्र कर अमानवीय यातनाएं दी। जब इनका बेटा गगन गौतम पिटाई से बेहोश हो गया तो गलत तरीके से डॉक्टरी कराकर मुकदमा लिख दिया गया। अपने बेटे के साथ हुई थाने में बर्बरता पूर्वक पिटाई की शिकायत जिले के आला अधिकारियों से करनी चाहिए तो किसी ने इनकी फरियाद नहीं सुनी। जब कहीं न्याय ना मिला तो केवला देवी धरने पर बैठ गई। 13 दिनों से धरने पर बैठी केवला देवी ने न्याय पाने के लिए पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। वहीं केवला देवी के पति गुरुचरण गौतम जो कि रिटायर्ड दरोगा हैं, उन्होंने भी अपने बेटे की निर्मम पिटाई का आरोप जरवल थाने के एसओ मधुपनाथ मिश्रा पर लगाते हुए बताया कि इसकी शिकायत डीएमएसपी से लेकर मानवाधिकार तक की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर पीड़ित दलित महिला के आमरण अनशन पर बैठने की खबर लगते ही कई राजनीतिक पार्टियों के नेता दलित महिला से मिलकर खुद को उनके साथ होने की बात कहते हुए अपनी पार्टी को दलित हितैषी साबित करने की होड़ में शामिल होते दिखाई दिए, जिसमें बहराइच से बीजेपी की महिला सांसद सावित्री बाई फूले ने कहा कि दलितों पर अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा आरोपी एसओ को सस्पेंड कर उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसी तरह सपा के नेताओं ने भी दलित महिला व उसके बेटे से मिलकर न्याय दिलाने के लिए उनके साथ होने की बात कही। 2 तारीख को मेरा बेटा जो है बाजार बंद करवाया था, एसओ साहब उसको बाजार में मारा, इसे के बाद में जीप में धकेल लिया तो वहाँ थाने पर पट्टों से मारा। अब आप क्या चाहती हैं इस मामले में? क्या यही चाहती हैं कि तो मुकदमा उनके ऊपर लिख जाए और या तो वहाँ से उनका ट्रांसफर हो जाए। लड़की का नाम पूछा और कहा कि दरोगा जी के लड़के हो, इतना कहते ही पीटना शुरू कर दिया और पीछे पीछे उनके पास जो पुलिस बल था वो भी मारने लगा, उठा करके गाड़ी में छोड़ दिए। इसके साथ में एक लड़का दिनेश था उसको भी डाल दिए और ले गए वहाँ क्या कहते हैं थाने में, नंगा करके जो है निर्वस्त्र हो गया। तो 2 सिपाहियों ने इसके हाथ पकड़ लिए और चूहों पर पट्टों से करीब करीब 50-45 पट्टे जो है लगाए, ये बेहोश होकर गिर गया सर। डीएम महोदय से मिला, एसपी महोदय से मिला, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी दिन से धरना पर आज 13वें दिन धरना हो गए बैठे हुए और 3 दिन हो गया है अमरण अनशन कर रहे हैं। ब्रेव न्यूज़ लाइव के लिए बहराइच से नूर आलम बारसी की रिपोर्ट।